कहाँ से आए तुम्हें? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या अम्मा को तबीयत खराब है सर? लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम। लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम, अच्छी बात। तुमने क्या है हजरत? मैं ये गठिया हुआ। दिखाओ जरा, दिखाओ। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, डॉक्टर कैंसर गया? डॉक्टर कैंसर का। हाँ, रिपोर्ट आ सुबह रहने, छोड़ो रिपोर्ट आनंदे। मैं बोले सर का कर लियो, चार महीने में रेडी होती इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। औज बिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पना लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये एक स्पेशल बयान है हमारे हैदराबाद से आए हुए मेरे फैन और हमारे आंध्रा त्रिपुरा से आ कोई कैंसर की वजह से, और हैदराबाद से आए हैं लिवर सिरोसिस की वजह से। इंशाअल्लाह जिन लोगों को भी ये बीमारियां हैं, अब मैं बोले सर का अमल कर लियो, इंशाअल्लाह 3-4 महीने में रेडी हो जाओ। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, सेहत को बचा लियो बीमारी पकड़ने से पहले। बीमारी पकड़ ली, लाखों रुपए खर्च करना, अपनी जान भी गवा लेना, बीमारी को पकड़ने दोनों को। अब बीमारी नहीं पकड़ना, बीमारी जड़ से ख़त्म होना, तो कलौंजी के काले बीज को तुम्हारे ऊपर लाजिम करो, यानी तुम्हारी आदत में रख लियो। ये कलौंजी का काला बीज सिवाय मौत के हर बीमारी दफा करता है, कोई बीमारी को पकड़ नहीं देता नहीं मौत के अलावा। ये अल्लाह के रसूल की बात, बुखारी की हदीस। अच्छा, अब ये तुम्हारे बीमारियां खत्म होना तो मैं क्या बोलता हूँ वो इंशाअल्लाह पाबंदी से 4 महीने इंतजार करो। ये है पीपल का पत्ता। इसे क्या करना, सुबह को ज़रा मिक्सी में डाल कर पान डाल को फूट को इसका रस निकालना। एक आधा कप चाय पिए सोता है, एक आधा कप रस, एक आधा चम्मच हल्दी डाल को पी लेना खाली पेट में, तुम्हें भी कैंसर वाले भी और लिवर वाले भी। अच्छा, आधे घंटे के बाद ये नीम का पत्ता, ये नीम का पत्ता लेना, एक आधा कप, एक आधा चम्मच हल्दी डाल को पी जाना। और ये पिए बाद आधा एक घंटा क्या भी नहीं खाना, ये पी लिए बाद एक घंटा क्या भी नहीं खाना, फिर वो पिए बाद एक घंटा क्या भी नहीं खाना, ये 4 महीने करना तुम्हें। एक हुआ, दूसरा ठंडा पानी पीने का छोड़ डालना, और पानी गर्म पानी पका कुछ पीना। क्या दाल को पकाना, ये देखो ये जाम का पत्ता, अमरूद का पत्ता बोल दो, हर घर में रहता है जाम का पत्ता। ये जाम का अमरूद का पत्ता डालना, एक 10-15 पत्ते डालना, और ये कच्चा तो भी डाल लो सूखा तो भी डाल लो, एक 10-15-20 पत्ते डालो, इसमें आधा चम्मच कलौंजी डालो, आधा चम्मच मेथी डालो, और एक 2 मुट्ठी धनिया डालो, और एक आधा चम्मच हल्दी डालो। दाल को अच्छा पकाओ, छान को बहुत पानी शाम तक पियो, 2.5 लीटर 3 लीटर तुम्हें कितना पानी पीती वो शाम तक पीते रहो। ये पानी, दूसरा सादा पानी छीना नहीं, 4 महीने तक भी सादा पानी छीना नहीं, जाम के पत्ते का पानी इंशाल्लाह। और ये पानी में एक आधा चमचा कलौंजी, एक आधा चमचा मेथी, एक आधा चमचा कलौंजी, एक आधा चमचा मेथी, ये रहा आधा चमचा मेथी, आधा चमचा कलौंजी, हाँ, जाम के पत्ते के पानी में डाल को रखो, और सुबह को खा जाओ। ये नीम का पत्ता हुए बाद, पीपल का पत्ता हुए बाद ये खा जाना, ये खा जा को उसके ऊपर एक गिलास ये पानी पीना गर्म पानी, इसके बाद एक घंटा छोड़ को नाश्ता करो तो इंशाल्लाह। और हर दिन सोने के टेम्पो 1 चमचा अरंडी का तेल कैश टाइल वो इस पानी में डाल को पी लेना, और सुबह को जैतून का तेल 1 चमचा ये पानी में डाल को पी लेना, सुबह को जैतून का तेल, आयलो आयल बोलती,
ये शाम को एरंडी का तेल। मेरे दोस्तों 50 लाख की बस है, 50 रुपए का गिरीस, 50 रुपए का आयल नहीं दिए तो 50 लाख की बस उठाकर फेंकने का पड़ता। वैसा ये अरबों करबों की मशीन अल्लाह दिया सो, इसके वास्ते ये गिरीस आयल अल्लाह दिया सो। रात को आयल इस्तेमाल करो, सुबह को गिरीस इस्तेमाल करो, यानी रात को एरंडी का तेल, सुबह को जैतून का तेल, हमेशा ताज़े हो जाते। और बहुत से हकीम डॉक्टर डराती, ये इसकी आदत डालियों को पियोनों को बोल को की डरा देंगे तो उनके जेबा खाली पड़ते रहती, तुम्हारे जेबा भरती होती रहती। ये आदत डाल लिया तो, ये आदत नहीं डाल लिया तो तुम्हारे जेबा खाली होती रहती, उनके जेबा भरती रहती, हमारे जेबा भरती होती रहती। अब अल्लाह अकल दिया है, अकल से काम लियो, अमल से बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, अमल करो यहाँ भी खुश, मरने के बाद वहाँ भी खुश। अच्छा, तीन चीज़ों को परस कर लियो तुम्हारे अंदर आने दोनों को। वो तीन चीज़ें क्या? एक डर, डर बीमारियों का घर। याद रखो जितने भी मरे करोना वायरस से नहीं मिले, नहीं मरे, डरोना वायरस से मरे सुपुर है। ये डरे तो क्या होता है, खून भी इकट्ठा हो जाता है, बलगम भी इकट्ठा हो जाता है। डरना नहीं, अल्लाह वाले डरते नहीं, जो डरते हैं उन्हें अल्लाह वाले नहीं। अच्छा याद रखो, अल्लाह कुरान में फरमाया अल्ला इन्ना अवलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरा चहता बंदा वो है ना डरता है ना रंज करता है। क्या होता है कि ना मैं कहाँ मर जाता हूँ कि ना डरता नहीं, ठीक हो तो मरने की चाहत में जीता सो अल्लाह वाला। मैं कब कब अल्लाह के पास जाना, मैं कब कब अल्लाह को देखना, मैं कब कब अल्लाह को बात करना, मैं अल्लाह की जन्नत कब देखना, ये अरमान से जीने वाला चाहिए मुसलमान ने, ईमान वाला मोमिन ने। मौत का देख मान डर को पाखा नहीं कर रहा है अब बेईमान ने कि उसे अल्लाह को देखने का अरमान इतनी है, उसे अल्लाह का यकीन इतनी है। इसलिए ये डर क्या है, ये शैतान की हथियार है। सूरह निसा उठा के देखो, अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरा गुलाम बनता नहीं, मेरे कानून पर अमल नहीं करता, उसे तू तेरा गुलाम बना ले, तेरी चीख से उसे डरा और उसके खदमों को उखाड़ ले, अल्लाह बोल रही हूँ, और उसका सवार बन जा, उसे डरा ले को जहन्नम को ले चले जा। और जो मेरा बंदा है जो मंजर डरता है उसके ऊपर तेरा क्या भी चलता नहीं, मैं उसकी हिफाजत कर लेता हूँ, या अल्लाह के बाद। और दूसरा गुस्सा, गुस्सा भी नहीं करना, क्या तभी टेंशन आते, जोरू भी किस्त उठा ले भाग जाते, हमारी जोरू को भी कौन लेको भाग का भाग गया, जोरू किस्त ले भाग गए, वहाँ भी टेंशन नहीं करना, हंस ले को बैठना, गई तो बारा थी दूसरी शादी कर ले तुम बोलो, हाँ क्या आया तो भी गुस्सा नहीं करना, हमेशा फूल के तरके रहती। गुस्सा शैतान की निशानी, यह शैतान आग से बनया सो, हमें आग को अंदर पालना नहीं, यह आग को पालने वाला कभी बाग में जाता नहीं जन्नत में, हाँ गुस्से को निकाल फेंको। और तीसरा सोचने का, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते ही बोल को, पूरी दुनिया का सोचना, हाँ जोरू बच्चे नवासे पोतरे खानदान का कबीले का, हाँ पूरे गाँव का पूरे मुल्क का सबकी फिक्र, इसकी एक फिक्र छोड़ गो, बिल्कुल नहीं, अपना कितनी होना उतनी फिक्र कर लेना, अपना कितना होना उतना सोच लेना। ये तीन चीज़ें छोड़ डालना, डर गुस्सा सोचने का ज्यादा, हमेशा फूल के सर के रहती।